नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेटिंग एजुकेशन चैनल पर। आज मैं आपको कॉलर बनाना बताऊंगी। ये मैंने कार्डिगन बना लिया है और ये कॉलर का गला घटा दिया है। कॉलर का गला मैंने इस तरीके से घटाया है कि पहले बटन पट्टी के फंदे सारे घटाए, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, फिर एक एक करके घटाया है। और जितने कंधे पे फंदे रखने हैं उतने फंदे रह जाएं, उसके बाद घटाना बंद कर दिया है। मैंने कंधे पे 35 फंदे रखे हैं। आप अपने हिसाब से कैसा कार्डिगन है, कितने फंदे रखने हैं, उस हिसाब से रख के फंदे छूट रह जाएं तभी घटाना बंद कर दें। इस हिसाब से इस तरीके से गला आया है। बटन पट्टी के 10 फंदे, 10 और 3, 10 एक साथ घटाएं, फिर 3 एक साथ घटाएं, फिर 2 एक साथ, फिर एक एक करके घटाया है। इस तरीके से ये कॉलर का गला बनता है। अब मैं कॉलर के फंदे भरना बताऊंगी आपको। कॉलर के फंदे हमें कॉलर क्योंकि पीछे को पलटती है तो आगे से सफाई होनी चाहिए। इस वजह से फंदे ऊपर से नहीं, हम नीचे से भरेंगे, उल्टी साइड से उठाएंगे। जैसे सीधी साइड की बजाय इधर से हटाएंगे, उठाएंगे फंदे। और कॉलर हम जैसे उल्टी सीधी बनाते हैं तो इधर से सीधी साइड बनाएंगे, क्योंकि हमारी सीधी साइड, ये स्वेटर उल्टा है, इधर कॉलर सीधी साइड बनानी है, तो फंदे हम इधर से उठाएंगे उल्टी साइड से। पहले बता देती हूँ मैं फंदे। कॉलर में फुल साइज का कार्डिगन है तो मैं ये आगे के जो हिस्सों में उठाऊंगी 35-35 फंदे, 35 इधर और 35 इधर, और 35 फंदे पीछे, 35 या 36, इस तरीके से फंदे उठाऊंगी। देखिए ऐसे उल्टी साइड से, देखिए तीन फंदे आ गए। देखिए इस तरीके से उल्टी साइड से ऐसे ही हमें फंदे उठाते जाना है। ऐसे फंदे कमती बढ़ती हो जाते हैं तो कम रह जाएं, तो हम जब बना के लाते हैं सीधी तरफ से तो फंदे बढ़ा लेते हैं, और ज़्यादा हो गए तो कम कर देते हैं। देखिए इसी तरीके से मैं फंदे उठाऊंगी। इसमें 100 सवा 100, 100, 110, 105 फंदे हो जाने चाहिए। करीब 100 फंदों की कॉलर बढ़िया आती है, उसी हिसाब से मैं
देखिए ये मैंने फंदे भर लिए। अब मैं ये सारे फंदों को गिन के सेट करूंगी। मुझे तीनों हिस्सों में 75-75 फंदा कर लें। ये अब मैं गिन के बनाते समय पूरे फंदे कर लूंगी। 105 फंदे। जैसे इस तरीके से देखिए मैंने बना लिए फंदे, सही कर लिए। मैंने इधर भी 35 फंदे रखे और इधर भी 35 और बीच में 35, 105 फंदे हो गए। जैसे इसमें एक फंदा एक साइड में फालतू है, ये तो जैसे कम करना है, ज़्यादा फंदे हो जाए कम करना है, तो जैसे 2 फंदे 2 का 1 कर दें। तो ये फंदा कम हो गया है। दूसरी सिलाई पे शुरुआत में ही कमती कमती बढ़ती सही कर लें। कम है तो उठा लें और ज़्यादा है तो कम कर दें। आपको फुल साइज का कार्डिगन में कॉलर में 100 फंदे या 105 फंदे ही बहुत हैं। इसकी बहुत अच्छी कॉलर आएगी, मैं आपको दिखाऊंगी बना के। देखिए इस तरीके से मैंने आपको फंदे उल्टी साइड से भरे। अब मैं इसको बनाऊंगी जैसी आप चाय बनाना चाहती हैं, जैसे चाय बॉर्डर जैसी बना सकती हैं कॉलर, और कैसे भी एक एक सूती एक उल्टी भी बना सकती हैं। मैं जैसी ही डिजाइन डालूंगी इसमें जैसे मैंने बॉर्डर में डाली है इस तरीके से। ये बॉर्डर में जो डिजाइन है वो शुरू से दो का एक और फिर से 2 का 1। देखिए अब हम 4 फंदों को जाली डालेंगे। एक, दो, तीन, चार। 4 जाली हो गई। 2 का 1, 4 फंदों के मैंने 2 कर दिए और 4 का 8 कर दिए। फंदा आगे करेंगे। अब हमें ये साइड से शुरुआत से में शुरुआत में दो दो ही गांठ करनी है, मतलब 4 के 2 ही करने, और बीच में 8 के 4 करने हैं। एक, दो, तीन, ये 4, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ 4 फंदे बढ़ गए और यहाँ 4 फंदे कम हो गए। ये हमारी डिजाइन इसी तरह पड़ेगी पूरी। यहाँ फिर हम 4 जाली डालेंगे। दो, तीन, ये 4, 4 हो गए। फिर हम एक, दो, तीन, ये 4 हो गए। फिर 4 जाली डालेंगे। इसी तरीके से हम ये कॉलर बनाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा ही बॉर्डर बनाया है, इस वजह से हम ऐसी ही डिजाइन डालेंगे। मैं आपको ऐसे पूरी पूरी सिलाई निकाल के बताती हूँ फिर किस तरह से डालनी है। ये देखिए ये हमारे ये 4 फंदे बचे, लास्ट में भी मैंने 4 जाली हो गई हैं, और ये 2 का 1 करेंगे। ये देखिए अब हमें ये डिजाइन सीधी साइड से ही डलती है, उल्टी साइड से हम पूरी सिलाई उल्टी निकालेंगे ऐसे। जाली वाले पत्तों को ये बना लेंगे या पूरी फंदों को इसी तरह बना लेंगे।
किए, उल्टी साइड से मैंने पूरे फंदे उल्टे उल्टे बना लिए। अब सीधी साइड से भी हम एक सलाई सीधी बनाएंगे। इस तरीके से सारे फंदों को, ये डिजाइन तीसरी सलाई पे पड़ती है। इस बार हम ऐसे ही बनाएंगे सीधी, फिर उल्टी साइड से उल्टी बनाएंगे जो अभी बनाई थी। जब अब के आगे तीसरी सलाई पे ये डिजाइन डलेगी। जो मैंने बताई थी इस तरीके से डलती है ये डिजाइन, और ये तीसरी सिलाई पर डलती है। डिजाइन डली, पीछे से निकाली, आगे से निकाली, फिर पीछे से, फिर आगे से, आगे आके ही डलेगी। तीन सिलाई निकालने के बाद चौथी सिलाई पे, यानी दो पीछे से एक आगे से निकाल के, देखिए जिस तरीके का डिजाइन है जो मैं कॉलर में डाल रही हूँ, ये दो गांठ और ये बीच में डिजाइन है, बीच में ये सीधे फंदे, फिर गांठ, फिर सीधे फंदे, फिर गांठ, इस तरीके से ये बन के दिखेगी। मैं आपको बना के बताऊंगी अब। ये देखिए, ये मैंने तीन सिलाई निकाल ली है, पीछे से दो उल्टी और आगे से एक सीधी। अब ये चौथी सिलाई है, इस पे मैं फिर से ये डिजाइन बताऊंगी। ये हम दो, ये दो फंदे सीधे लेंगे, दो फंदे का एक करेंगे, ये और चार पे चार ही डालेंगे। ये चार धागा आगे करके, तो ये यह चार, आठ का चार करेंगे। ये चार इसी तरीके से हम ये पूरी बनाएंगे। ऐसी हमारी ये डिजाइन आएगी। तो ये कॉलर में कम से कम 4 से 5 अंगुल बना लूंगी, करीब 4 इंची के करीब बनाऊंगी।